एक तरफ सरकार ये दावा करते नहीं थकती है कि प्रदेश में भ्रष्टाचार कम हो रहा है, सभी क्षेत्रों में विकास और सभी के चेहरों पर मुस्कान बढ़ाई जा रही है, लेकिन वहीं दूसरी ओर सरकार के इन्हीं दावों को तार तार कर लोगों के चेहरों से मुस्कान छीनने वाले भ्रष्ट अधिकारियों के हौसले इतने बुलंद होते जा रहे हैं कि बिना किसी खौफ के ही क्षेत्रों की रूपरेखा बदलने के बदले वो अपने ही रंग रूप का बदलाव किए जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन की खास खबर। केंद्र की मोदी सरकार भले ही कितनी दफा ये कह ले कि हर घर और हर गांव विकास के नाव पर चढ़कर विकास के टापू पर आएगा, क्योंकि उनके कहे गए एक एक लफ्ज को उन्हीं के अधिकारी अपने रॉब और पावर की जूती तले दबाकर विकास तो क्या, लोगों से उनकी खुद की बनाई गई चीजों को ही छीन ले रहे हैं। आज बात होगी यूपी के सबसे वीआईपी जिले अमेठी की, जिसे विकास का गढ़ भी माना जाता है, लेकिन असल बात क्या है आज हम आपको उसी से रूबरू कराएंगे। इन बंजर रास्तों को देखकर यकीनन आपको लग रहा होगा कि क्या ये वही अमेठी है जिसे विकास का गढ़ माना जाता है, ये तो किसी बीहर जैसा दिखाई देता है। ये मिट्टी के रास्ते ना जाने कितने सालों से ही इसी तरह अपनी बदहाली के आंसू रो रहे हैं। ये तो बात हुई इन रास्तों की, अब आपको दिखाते हैं यहाँ के ग्राम पंचायत परिसर की हालत, जिसे देखकर यकीनन आप इसी सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर इस गांव में पंचायत ऐसी जगह पर होती कैसे है। ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि किस तरह से अमेठी में थाना गौरीगंज क्षेत्र के पूरा मैदन मवई गांव अपनी बदहाली के आंसू रो रहा है, जहां सरकारी अधिकारियों ने बहुत दावे किए कि ये होगा वो होगा, लेकिन इन वादों को पूरा तो क्या, इन्हें पूरा करने की शुरुआत तक नहीं की गई है। जी हाँ, ये तस्वीरें हैं अमेठी जिले के थाना गौरीगंज क्षेत्र में मौजूद मैदन मवई गांव की, जिसे आसपास के जिलों में माता मवई धाम के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ रहने वाले इन ग्रामीणों के अंदर अपने गांव की ऐसी हालत देखकर इतना गुस्सा भर गया है कि वो सीधे तौर पर यही कह रहे हैं कि सरकार ने ऐसे लोगों को गांव की देखभाल करने की कमान सौंपी है जो इस वक्त केवल अपने फायदे की चीजें ही सोच रहे हैं। ग्रामीणों ने गांव की ग्राम प्रधान दबिता मिश्रा पर ये गंभीर आरोप लगाए हैं कि ग्राम प्रधान ने अपने प्रतिनिधियों जो कि उनके जेठ और पति हैं, उनके साथ मिलकर गांव को सरकार की तरफ से दी जाने वाली विकासकारी योजनाओं के पैसों का गमन कर विकास के नाम पर सिर्फ ठेंगा ही दिखाया है। हमारे यहाँ जो मंदिर है महेंद्रनाथ बाबा का, इसके नाम में सुंदरीकरण पे जो है 1,00,000 रुपए ले लिया गया प्रधान द्वारा, काम एक पैसे का नहीं किया गया। और इसके साथ हमारे पास सभी कागज पत्र है जो है, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो मजबूरी में आप लोगों का सहयोग लेना पड़ा हम लोगों को। और इसमें कहीं ऊपर से भी कोई हमारे लोगों का सपोर्ट नहीं किया, ब्लॉक स्तर पे जांच आई, नहीं बुलाया गया, क्या लिख के गया क्या नहीं लिख के गया हम लोगों को कुछ पता नहीं। मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोल सकता हूँ, किसान हूँ, लेकिन मेरे पास सभी एविडेंस हैं, सभी एविडेंस के साथ मैं हूँ और आपके सामने सब चीज़ें स्पष्ट दिखाई दे रही हैं, अब इससे ज़्यादा मैं क्या कर सकता हूँ। जी, हमारे बड़े भैया हैं समरजीत सिंह, इनके द्वारा शिकायत की गई थी, आज तक कोई इंक्वायरी नहीं आई, इंक्वायरी आई भी होगी तो हम लोगों को कोई खबर सूचना नहीं है। अमेठी से हमारे संवाददाता मोहम्मद तौफीक ने पवन मौर्या के साथ इन सभी ग्रामीणों से बात कर पता किया कि कैसे गांव के खड़ंजा रिपेयरिंग के नाम पर ग्राम प्रधान ने करीब 3,20,000 तक की धनराशि निकाल ली, लेकिन काम कुछ भी नहीं किया। यही नहीं, ऐसे ही तालाब की खुदाई और उसके सुंदरीकरण के साथ साथ पंचायत भवन की लिपाई पुताई के नाम पर भी लाखों रुपए निकाले गए, लेकिन काम एक भी नहीं हुआ। इन पेपर्स पर साफ तौर पर दिख रहा है कि कैसे ग्राम प्रधान ने एक एक कर ना जाने कितने ही लाखों रुपए हड़प लिए। इसी तरह खड़ंजे का पेपर है जो कि आपके सामने है, और पेपर ये है, देखिए इसमें भी जैसे सुंदरीकरण के नाम पे इन्होंने 1,65,000 का गमन किया है जो कि कागज में हुआ है और आप देख ही रहे हैं सामने है, और कोई कार्य नहीं हुआ। ग्राम प्रधान का बैकअप स्थानीय नेता, समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेताओं से इनके संबंध है, इसी कारण जांच को प्रभावित कराया जा रहा है। और सचिव श्री हरिश्चंद जी, ज्वाइंट अकाउंट होने के नाते सारा गमन और घोटाला एक साथ कंटिन्यू, और ये घोटाला 25 से 50 लाख के बीच में, पटरी भराई, नलकूप रिबोर, कुआं रिपेयरिंग और पीपीएफ शौचालय प्राइमरी में, और उसके बाद सामूहिक जो ग्राम सभा का जो शौचालय है हमारी ग्राम सभा मेदन मोई, 3 रेवेन्यू विलेज हैं, लीला टिकरा, सूजापुर और मेदन मोई, जबकि मेदन मोई विकास के कार्य पे एक भी पैसे तीनों रेवेन्यू विलेज में किया ही नहीं गया है। स्ट्रीट लाइट कहीं खंभे पे दिख ही नहीं रही है, सोलर लाइट है ही नहीं, 90,000 रुपये निकाला गया है, नाली निर्माण कार्य हुआ ही नहीं है, लगभग 50 लाख एबव।
ग्रामीणों की माने तो उन्होंने कई बार उच्च अधिकारियों से इस पूरे मामले की शिकायत भी की, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। लिहाजा इनका ये कहना गलत नहीं है कि वो तो ठहरे मामूली किसान, वो ज्यादा कुछ नहीं कह सकते हैं। हाँ, शिकायत जरूर कर सकते हैं, लेकिन इन शिकायतों के आधार पर ही प्रशासन को ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर नकेल कसने की जरूरत आ पड़ी है। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो इसे लाइक और फॉलो करें, और अगर आप ये यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।